ईदगाह लखनऊ में सीरिया और तुर्की में आए। भूकंप से पीड़ित लोगों की सलामती के लिए की गई खुसूसी दुआ। आज जुहार की नमाज के बाद ईदगाह ऐशबाग में मौलाना खालिद रशीद फरंगी माहली ने की खुसूसी दुआ। दुआ में शामिल हुए भारी तादाद में नमाजी बीते 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आया था 7.8 तीव्रता का भूकंप, जिसकी वजह से अब तक 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मैसिव स्केल पर तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है और वहाँ हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे यतीम और अनाथ हो गए हैं और लोग अभी भी वहाँ पर मुसीबत में मुब्तला हैं। तो इस सिलसिले में आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में स्पेशल और खसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया, जिसमें कि उन लोगों के लिए अल्लाह ताला से खसूसी दुआएँ की गई और इस मौके पर ख़ासकर जो लोग मारे गए हैं उनके मफरत के लिए और जो ज़ख्मी हैं उनके शिफा के लिए और जो जिनके घर वाले हैं जिनके घर वाले दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए उनके घर वालों के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। और इस मौके पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील भी की गई कि तुर्की और सीरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ करके उनकी मदद की जाए।